आर्मी ने हमको सब मणिपुर राइफल के ऐसे जगह सबको इकट्ठा किया और ये लोग गलत बोला कि मंदिर भी गिराया है। कौन गिराएगा आर्मी कैंप के अंदर, तो मंदिर कौन गिराएगा? उसी टाइम एक कदम आर्मी कैंप से एक कदम भी नहीं जा पाया तो कौन मंदिर गिराएगा? गलत गलत नरेशन हुआ है। सेपरेशन की जो आप लोग बात कर रही हैं, उसका तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कंप्लीट स्टेट दे दो, नहीं तो यूनियन टेरिटरी विथ आवर ओन लॉ आवर ओन वो क्या बोलते हैं जुडिश वो क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी दे दो। उसका कोई लैंड मैपिंग भी आप लोगों के पास है कि आप लोग कितना लैंड चाहते हैं? वेरी इजी, मणिपुर इज वेरी इजी, वैली एंड ट्राइबल लैंड मार्किंग इज ऑलरेडी डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। मार्किंग कोई नया चीज नहीं है, हमारा जमीन ब्रिटिश टाइम से पहले इंडिपेंडेंस डे से पहले हमारा मार्किंग है। हम नहीं कहते कि अंदर कभी नहीं रहा, ये भूलना मत। जो इम्फाल में है वो लोग सरकार काम करते हैं, इसलिए जैसे आप लोग दिल्ली में आए हो काम करने के लिए, हम क्योंकि जो भी इम्फाल में रहना पड़ा क्योंकि काम है वहाँ पे, तो काम है तो मकान होना चाहिए, लेकिन ट्राइबल और मेटे आर टोटली सेपरेटेड इवन जोग्राफिकल वाइज। ट्राइबल लैंड है, मेटे लैंड है, जो वैली में 700 स्क्वायर माइल वही मेटे लैंड है। आप लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो उसके पीछे की मानसिकता क्या है, कारण क्या है? Law and order total failure from 3rd May that leads to whatever violence, whatever molestation, whatever rape is the result of total law and order failure in Manipur by the chief minister because he is the head of the state. The police is under him. Anything that happened in the state is under the chief minister. Is hatred ka karan kya hai? Hatred? Jo ek tarike ki hatred hai, वो क्यों है, क्यों दोनों समुदाय के बीच में इतनी नफरत है? नफरत क्योंकि आई थिंक ट्राइबल लैंड बिलोंग्स टू ट्राइबल, मे बी दे वांट टू टेक द लैंड, क्योंकि वो लोग जनरल कैटेगरी है, हम एसटी है, एसटी का जमीन एसटी का है, कानून बताते हैं कि एसटी का जमीन कोई नहीं खरीद सकता, इसलिए उन्होंने एसटी स्टेटस डिमांड किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश किया, आपको मालूम है, जमीन खरीद नहीं सकता, एसटी क्वाटा के लिए और लड़ पड़ा, और उनको नहीं मालूम कि कानून जाति को नहीं बदल सकता, नहीं तो सब पंडित बनेगा, सब एसटी बनेगा, सब ओबीसी बनेगा, तो उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मजाक है। तो ये उन्होंने फाइट किया, हो सकता है हमारा पूरा जमीन छीनने के लिए, कितना उन्होंने गलत बोला, इलीगल इमिग्रेंट बोला, सब पैदा हुए मणिपुर में, सबके पास आधार कार्ड है, सब ने स्कूलिंग किया है, फ्रीडम फाइटर कुकी जो है 70+ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मणिपुर कुकी जो है, उसका मतलब इंडिया फ्रीडम से पहले भी कुकी थे, तो इलीगल इमिग्रेंट कैसे आया? और उसके बाद क्या बोला, कुकी मिलिटन, मैं मिलिटन लगती हूँ? 7 years old जो मरा गया है स्नाइपर से, माँ के साथ जो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के रास्ता में बर्न किया है, वो आतंकवादी है, कुकी मिलिटन है, जो मेंटली रिटार्ड है 72-year-old वुमेन, जो कुकी जो लेडी सड़क पे घूम रही है, वो उसको क्यों मारा, वो आतंकवादी है, तो कुकी मिलिटन भी इन्होंने कुछ ऐसे ब्रेन वॉश करके, ये तीन चीज हमेशा आप देखोगे तीन चीज बोलेगा, कुकी मिलिटन, इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बर्मा, नार्को टेररिस्ट। नार्को टेररिस्ट का मतलब उनको नहीं मालूम, आप मणिपुर का कुकी जो का गांव देखिए, कई घर में टॉयलेट तक नहीं है, नार्को टेररिस्ट ऐसे रहते हैं क्या? बिराए बिबिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं क्या? रहते हैं क्या? आप लोग जो यहां पर इकट्ठा हुए हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग सरकार से मिलेंगी? इसमें हमारा जो मणिपुर का स्टूडेंट है, उनका माँ बाप उधर है, कई लोग उनका फैमिली डेड हो गए हैं, जैसे मेरा ब्लड रिलेटिव विक्टिम है, मैं डायरेक्ट विक्टिम का फैमिली हूँ, उनके लिए आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, कौन उठाए? आप लोग, आप दिल्ली में रहती हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ। क्या नाम है आपका? ग्लैडी वाइफ है हुंजन, मैं छोटा बिजनेस करती हूँ, मैं 3 बच्चे के माँ हूँ, अगर मेरा फैमिली के लिए मैं यहाँ ना चिल्लाऊँ तो यहाँ पर ज्यादा फायदा नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो इकट्ठा है वो वहाँ की आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली में ही रहते हैं ज्यादातर लोग,
यहाँ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका माँ बाप, उनका दादी दादू, उनका सब कुछ फैमिली उधर रहते हैं, कुछ तो कुछ डायरेक्ट विक्टिम का फैमिली है। तो इस तरह से आप मणिपुर कुकीज़ो ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, कुकीज़ो में से मैं वाईफाई ट्राइब हूँ, वाईफाई ट्राइब जो है सब ट्राइब ऑफ कुकीज़ो, वो भी 49,000 पॉपुलेशन है। We are very small community, very small peace loving community. कुछ तो कुछ उनका फैमिली में विक्टिम है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम कुकीज इकट्ठा हैं, वो यहाँ पर अपने स्टेट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इन सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो ब्लड रिलेशंस हैं वो वहाँ पर पीड़ित हैं, और उन सब के लिए आवाज़ उठाने के लिए ये सारे जो कुकी समुदाय के लोग हैं मणिपुर के, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं और अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, कुकीज़ के लिए एक सेपरेशन की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।